स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को, ठीक है। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड को पहले इसके जो डिफरेंस है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इथेनॉल, इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, CH3CH2OH मॉलिक्यूल फार्मूला होता है, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो यहीं से डिफरेंस नजर आ रहा है। फर्स्ट वन क्या है, मतलब इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप एल्कोहो, ठीक है। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, COOH। फिर देखते हैं ऑर्डर की बात करते हैं, स्मेल की बात करते हैं, तो स्वीट ऑर्डर होता है इसका, ठीक है, स्वीट ऑर्डर होता है। और इसका ऑर्डर कैसा होता है, पेंजेंट ऑर्डर होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसका अगर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है, क्या है बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका 118 to 119 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पीएच की बात करते हैं, तो इसका पीएच होता है 7.33। और जब इसका पीएच की बात करते हैं तो इसके पीएच कितना होता है, अराउंड 2.4 पीएच, ठीक है, 2.4। नेक्स्ट वन देखते हैं, इट डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बट इट रिएक्ट्स, ये रिएक्ट करता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर इसका डिस्टिंग्विशन टेस्ट की बात करें तो केमिकल डिस्टिंग एक ये हो गया, दूसरा अगर बात करते हैं तो रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है, तो इट कैंट बी चेंज ब्लू लिटमस पेपर इंटू रेड, ठीक है, और ये ब्लू से क्या कन्वर्ट कर देता है, रेड के अंदर। तो ये तो एसिडिक नेचर हो गया, ये अल्कलाइन नेचर हो गया, मतलब बेसिक नेचर हो गया। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब इनकी केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन देखते हैं किसकी, इथेनॉल की, उसके बाद देखें इथेनोइक एसिड की। तो इथेनॉल की अगर रिएक्शन देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, ठीक है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो इथेनॉल CH3CH2OH प्लस में Na, ठीक है, क्या करेगा, Na इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्या बनाएगा, सोडियम इथेनॉइड बनाएगा, CH3CH2ONa, ठीक है, ये दो लेने पड़ेंगे हमें, ये भी दो, क्योंकि तो साथ में क्या निकलेगी, H2, ठीक है। और यही अगर मान लो इसके साथ करवाया जाए कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया जाए, किसके साथ, कंसेंट्रेटेड H2SO4 किसकी, एल्कोहल की, किसके साथ, कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारा, इथेन बन जाएगा, CH2CH2, और क्या एलिमिनेट हो जाएगा यहां से, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। कैसे, जो CH3 के साथ, मतलब यहां पे CH2H कर लो और यहां पे CH2OH कर लो, ये दोनों यहां से क्या निकल गया, वाटर, तो ये वाटर फॉर्मेशन हो गया, तो हो गया रिएक्शन। अब इसकी करते हैं फर्स्ट वन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। आप
फॉर्मेशन सब स्ट्राइक के लिए क्या करना पड़ेगा, सी एस थ्री सी डबल ओ एच को किसके साथ एक्सचेंज करनी पड़ेगी, सी एस थ्री सी एस टू ओ एच के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा कि सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ठीक है, इसके साथ इसको थोड़ा उल्टा कर देता हूं, यहाँ पे ओ एच सी एस टू सी एस थ्री, ठीक है, और यहां से क्या निकल जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाएगा, क्या बनेगा एच टू निकल जाएगा, और बाकी जो भी बचा उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, सी एस टू देन सी एस थ्री, क्या बन गया हमारा एस्टर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर रिएक्शन करवाते हैं इसकी मेटल के साथ, ठीक है, सोडियम मेटल के साथ सी एस थ्री सी ओ एच की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए प्लस में एस टू, ठीक है, यहाँ पे दो लेने पड़ेंगे सेम टू सेम एल्कोहल, मतलब इथेनॉल की तरह होगा, एल्कोहल की तरह होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, इथेनोइक एसिड की, हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बेस के साथ NaOH, ठीक है, तो इथेनोइक एसिड सी एस थ्री सी ओ एच प्लस में क्या जोड़ना है NaOH, ठीक है, इसको उल्टा लिख देता हूं ऐसे, यहां से क्या निकल जाएगा OH, मतलब क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए प्लस में एस टू, ठीक है, ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। फिर करते हैं इसकी बाइकार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट सी एस थ्री सी ओ ओ एच प्लस में एन ए एच सी ओ थ्री, ठीक है। अब यहां पे क्या होना है, देखो ओ एच और इसका है, क्योंकि जब भी पहले सीओ थ्री जो कंपाउंड होता है इसको तोड़ते हैं, जब भी सीओ थ्री ब्रेक डाउन होगा CO2 प्लस O में टूटेगा, मतलब CO2 तो यहां निकाल दो और हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, एक O बच गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखते हैं, ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो यहां से क्या ले लेते हैं, एक H ले लेते हैं और एक O और एक H, क्या निकल जाएगा एच टू, बाकी जो बच गया उसे हम जोड़ देते हैं, क्या बच गया सी एच थ्री सी ओ ओ एन, क्लियर। अगर इसके बाद अगर मान लो ये तो था सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ देखते हैं, मतलब ये सोडियम बाइकार्बोनेट था, अब यहां पे लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, मतलब सी एस थ्री सी ओ ओ एच को रिएक्शन करवाना है Na2CO3 से, ठीक है, इसकी आदत वही है CO2 एग्जिट करवा दो, प्लस में यहाँ पे क्या बच गया, एक O बच गया। अब यहाँ पे दो ले गए, दो लेने से क्या होगा, यहाँ से क्या मिल जाएंगे, दो S मिल जाएंगे, ठीक है, और दो H क्या बना देंगे H2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो Na है तो इसका मतलब क्या है CH3COONa, कितने बनेंगे, ये भी दो बने, ठीक है, क्योंकि हमने दो लिए और दो ही हमारे पास सोडियम है। ये थी केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड